चंडीगढ़ के सैक्टर 53 स्थित फर्नीचर मार्केट के रात करीब 11:30 अवारा कुत्तियां नूं खाना खवा रही एक कुड़ी नूं तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना मगरों थार सवार मौके तो फरार हो गया पर लड़की गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गई। सीसीटीवी फुटेज दे विच तुसी साफ देख सकते हो कि एक कुत्ते नूं खाना खवा रही एक कुड़ी मेन हाईवे दे उत्ते खड़ी है। कुछ ही समय बाद एक काले रंग की थार आउंदी है ते कुड़ी नूं चक के परे मार दिंदी है। थार की रफ्तार इन्नी ज्यादा तेज सी कि शायद ही उसनूं कंट्रोल किया जा सकता सी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी दे विच कैद होया। लड़की की पछाण तेजस्वी कौशल वजो हुई है जिसनूं हुण हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है पर थार चालक अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। चंडीगढ़ के सैक्टर 53 स्थित फर्नीचर मार्केट के रात करीब 11:30 अवारा कुत्तियां नूं खाना खवा रही एक कुड़ी नूं तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना मगरों थार सवार मौके तो फरार हो गया पर लड़की गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गई। सीसीटीवी फुटेज दे विच तुसी साफ देख सकते हो कि एक कुत्ते नूं खाना खवा रही एक कुड़ी मेन हाईवे दे उत्ते खड़ी है। कुछ ही समय बाद एक काले रंग की थार आउंदी है ते कुड़ी नूं चक के परे मार दिंदी है। थार की रफ्तार इन्नी ज्यादा तेज सी कि शायद ही उसनूं कंट्रोल किया जा सकता सी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी दे विच कैद होया। लड़की की पछाण तेजस्वी कौशल वजो हुई है जिसनूं हुण हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है पर थार चालक अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। चंडीगढ़ के सैक्टर 53 स्थित फर्नीचर मार्केट के रात करीब 11:30 अवारा कुत्तियां नूं खाना खवा रही एक कुड़ी नूं तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना मगरों थार सवार मौके तो फरार हो गया पर लड़की गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गई। सीसीटीवी फुटेज दे विच तुसी साफ देख सकते हो कि एक कुत्ते नूं खाना खवा रही एक कुड़ी मेन हाईवे दे उत्ते खड़ी है। कुछ ही समय बाद एक काले रंग की थार आउंदी है ते कुड़ी नूं चक के परे मार दिंदी है। थार की रफ्तार इन्नी ज्यादा तेज सी कि शायद ही उसनूं कंट्रोल किया जा सकता सी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी दे विच कैद होया। लड़की की पछाण तेजस्वी कौशल वजो हुई है जिसनूं हुण हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है पर थार चालक अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है।